मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी कल्याणी में कल एक मानसिक रूप से विचलित युवक को ग्रामीणों ने बच्चा चोर की अफवाह में पीट दिया था। युवक की इतनी पिटाई की गई थी कि युवक को अब तक होश नहीं आया है, जिसके बाद युवक की मां ने थाने में शिकायत कराया है। पुलिस ने आज छापेमारी करते हुए इस आरोप में 7 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी बताए जा रहे हैं कि बड़ी कल्याणी के ही रहने वाले हैं। एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि बच्चा चोरी की अफवाह पर ध्यान ना दे, जो भी इस तरीके की गलती करते हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मसूमात जितनी देवी के आधार पर वो चिलकरा गोविंदपुर के वो रहने वाली है, उनके एक लिखित आवेदन के आधार पर कांड सुसंगत धाराओं में वो दर्ज किया गया है मुफस्सिल थाना में 270-22। उसमें ये है, कांड का सारांश है कि बड़ी कल्याणी में एक आदमी को, उनके पुत्र को, जितनी देवी के पुत्र को बच्चा चोर के अफवाह में ग्रामीणों द्वारा घेर कर मारपीट की गई, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए। और उसके बाद जब पुलिस को खबर मिली मुफस्सिल थाना को, तो यहाँ से जाकर के उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिर और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और हम लोग सारे लोग वहाँ हॉस्पिटल में उनके निर्देश पर हॉस्पिटल में जाकर उसके समुचित इलाज की व्यवस्था कराई गई और फिर उसको बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर में रेफर किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार CI सदर पुनी दिनेश लाल के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी मुफस्सिल, SC ST के थाना प्रभारी विनीत, महिला थाना प्रभारी और जो भी सारे पदाधिकारी थे उसके साथ छापामारी की गई। और रात्रि में छापामारी के बाद 7 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तारी किया गया है। शेष अभियुक्त जो बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। टोटल 24 नामजद एवं 100-150 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध ये कांड दर्ज किया गया है। गोड्डा जिला की जनता से मेरी अपील है, निवेदन है कि बच्चा चोरी के अफवाह में जो उन लोगों के द्वारा हिंसक घटनाएं की जा रही हैं वो बिल्कुल ही गलत और अवैधानिक है। उन लोगों से मेरा निवेदन है कि यदि इस तरह की कोई सूचना उनको प्राप्त होती है तो खुद वो लोग हिंसक घटनाएं ना करें और स्थानीय प्रशासन को अविलंब खबर करें ताकि उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। यदि जो भी लोग इसमें गलत करते हुए पाए जाएंगे, जो अभी ये घटना घटी है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी और उनको सजा उनको दिलाया जाएगा।